राजधानी क्षेत्र के विधायक तेची कासो ने आज नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रीम्स में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। पत्रकारों से बातचीत में तेची कासो ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और सभी लोगों को कोविड वैक्सीन ले लेनी चाहिए ताकि कोरोना महामारी से डट कर मुकाबला किया जा सके। जनता जो माता पिता है उन सभी से अपील करता है, आप सभी भी आकर ये वैक्सीन ले लेना है। जो भारत सरकार अगर वैक्सीन बना के दिया है कम समय में, तो कहीं ना कहीं अच्छा के लिए बनाया होगा, आप सभी का और हम सभी के लिए अच्छा के लिए बनाया होगा, तो इसीलिए सभी ले लेने से ठीक है। और मैं ये भी भारत सरकार से भी अपील करता हूँ और स्टेट सरकार से भी अपील करता हूँ, ये जो 45 ईयर्स वाला का जो है भारत सरकार ने जो एक रेंडमली फिक्स किया है, इसको अरुणाचल सरकार जो है इसको थोड़ा से लिखा लिखी करके जो हमारा जो 35 जो एज वाला भी लेना चाहता है उन्हें कॉमनली दे देने से ठीक है। क्यों बोलने से बाकी जो स्टेट का कंपेयर में जो पॉपुलेशन जो कंपेयर में हमारे स्टेट में जो 12-13 लाख का है, 12-13 लाख में तो और इसमें इतना रिस्ट्रिक्शन करने का ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। और बाकी स्टेट में जैसे कि 10 करोड़, 15 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ जो पॉपुलेशन है वहाँ ये जो है रेंडमली जो फिक्स किया है वहाँ जो है तकलीफ हो सकता है, लेकिन हमारा अरुणाचल में ये नहीं होने देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इसका लिए स्पेशल भारत सरकार से कमेंट करके और इसको जो 25 ईयर्स जो 20 ईयर्स वाला जो लेना चाहता है उन्हें भी धूमधाम अवेलेबल कर देने से ठीक है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से।